हेलो एंड वेलकम टू वाइज सेंसर। अगर हम बात करें डेट इंस्ट्रूमेंट्स की, और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी हम बात करें सबसे पॉपुलर फिक्स्ड डिपॉजिट की, जिसके इंटरेस्ट हमें 5.5% मिलते हैं और इंटरेस्ट टैक्सेबल होते हैं, यानी कोई इन्वेस्टर अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करता है तो उसे लगभग 3.85% ही इंटरेस्ट मिलता है। हम रिटर्न्स को तो जरूर देखते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले, पर हम कभी टैक्स के बारे में नहीं सोचते, और जब टैक्स फाइल करने जाते हैं तब पता चलता है हमारा टैक्स ही बहुत ज्यादा आ गया। क्या आपको पता है कि हम अपने टैक्स कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करके बचा भी सकते हैं? उन्हीं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में से आज हम एक इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, दैट इज टैक्स फ्री बॉन्ड्स। आइए देखें कि ये टैक्स फ्री बॉन्ड्स क्या होते हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड्स को गवर्नमेंट एंटरप्राइज इशू करती है ताकि वो कुछ पैसे उधार पर ले सकें कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ये बॉन्ड्स हमें फिक्स इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं विद जीरो डिफॉल्ट एंड लो रिस्क। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस बॉन्ड का सबसे खास फीचर क्या है, टैक्स एग्जम्पशन ऑन इंटरेस्ट। टैक्स फ्री बॉन्ड्स में जनरली लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी होती है, सेज 10 to 12 years, और यहां हमें टैक्स एग्जम्पशन ऑन इंटरेस्ट मिलता है अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया 1961। इन बॉन्ड से जो भी अमाउंट आता है उसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है। हु शुड इन्वेस्ट इन टैक्स फ्री बॉन्ड्स? टैक्स फ्री बॉन्ड्स उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग फिक्स इंटरेस्ट देख रहे हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजंस, वो लोग जो कि लॉन्ग टेन्योर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर रिस्क नहीं ले सकते। टैक्स फ्री बॉन्ड एक सही चॉइस है उनके लिए जो लोग हायर टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं, HNIs, HUF मेंबर्स, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्रिफर इन्वेस्टमेंट इन टैक्स फ्री बॉन्ड्स। चलिए अब बात करते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड्स के फीचर्स के बारे में। टैक्स एग्जम्पशन। टैक्स फ्री बॉन्ड्स में इंटरेस्ट इनकम इज फुल्ली टैक्स एग्जेम्प्टेड और TDS भी अप्लाई नहीं होता। ये बॉन्ड्स आप डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में भी रख सकते हैं। रिस्क फैक्टर। इस बॉन्ड में लेस डिफॉल्ट रिस्क होता है क्योंकि ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट के बिहाफ पर इशू किए जाते हैं, इसलिए इनको सेफ इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। लिक्विडिटी। टैक्स फ्री बॉन्ड्स को लिक्विडेट करना थोड़ा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू डेट म्यूचुअल फंड्स। लॉक इन पीरियड। टैक्स फ्री बॉन्ड्स में लॉन्गर लॉक इन पीरियड होता है, लाइक 10 to 20 years। आप मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। इंटरेस्ट। टैक्स फ्री बॉन्ड्स में जनरली 5.50% to 6.50% इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। बॉन्ड होल्डर्स को एनुअली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है। हाउ टू रिडीम योर टैक्स फ्री बॉन्ड्स? इन्वेस्टर कैन नॉट रिडीम बिफोर मैच्योरिटी, बट हम सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं। द प्रॉफिट यू मेक आफ्टर द सेल इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112। सेकेंडरी मार्केट में सेल करते टाइम STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जनरेट होता है, तो टैक्सेशन एज पर स्लैब लगता है। और अगर LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट होता है तो फ्लैट 10% लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टैक्स फ्री बॉन्ड्स। प्लीज कमेंट डाउन योर क्वेरीज फॉर मोर सच अपडेट्स एंड न्यूज ऑन बॉन्ड्स एंड फंड्स। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon to get notification about our new video.